साहिब कमाली कश्मीर के पश्मीना शॉल के लिए एक सूफ़ी संत मीर सैयद अली हमदानी को श्रेय दिया जाता है। किंवदंती के अनुसार मीर सैयद अली हमदानी के 14वीं शताब्दी में आने तक कश्मीर में शॉल नहीं बुनी जाती थी। ईरान में हमदान से आए इन सूफ़ी महात्मा ने कश्मीर में शिल्प फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वो शाह हमदान के नाम से भी जाने जाते थे। ये विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि सम्राट अशोक के समय के संस्कृत कृतियों में कश्मीर के शॉल का उल्लेख है। इसके अलावा पास के हिमाचल क्षेत्रों में बौद्ध प्रकृति के रंगीन ज्यामितीय डिजाइन भी शॉल के बॉर्डर पर पाए जाते थे। ये ज्यादातर भेड़ की ऊन के बने होते थे। कश्मीर में भी शायद इसी तरह के डिजाइन शॉल के बॉर्डर पर पाए जाते थे। इन पर मंदिर की दीवारों पर पाए जाने वाले रूपांकन होते थे। पश्मीना ऊन का परिचय निश्चित तौर पर शाह हमदान के द्वारा ही हुआ था। शाह हमदान को ले की यात्रा के दौरान एक झाड़ी में ऊन फंसी हुई मिली थी। पिछले 700 सालों से यहाँ पे कश्मीर में तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये तो हज़रत शाह हमदान अलैहि रहमा उन्होंने ही यहाँ पे ये मुतारिफ करवाया, क्योंकि उनके पास 700 सादात थे उस वक्त, जो बहुत बहुत से ऐसे काम लेके आए वस्ती एशिया से। पश्मीना वीविंग का भी एक ये काम भी। ये बात दिलचस्प है कि लगभग उसी अवधि में जब शाह हमदान ने कश्मीर में पश्मीना शॉल बनाने के लिए प्रेरित किया, ईरानी शॉल बुनकर औरंगाबाद गए, जहां उन्होंने उन डिजाइनों को एक रेशम और कपास के मिश्रण को हिमरू नाम दिया। तुर्की में गुरुन में भी इसी तरह के शॉल बुने गए थे और इसमें समानताएं भी थीं। गुरुन शॉल और इसी अवधि के किरमान, ईरान और कश्मीरी शॉल में समानताएं थीं, लेकिन ईरान और तुर्की ने शॉल को एक कला के रूप में कभी विकसित नहीं किया और 100 साल पहले हस्तनिर्मित शॉल की बुनाई को रोक दिया। एक शताब्दी के बाद कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन ने अपने राज्य में शॉल उद्योग की स्थापना की। करीब 2 शताब्दियों के बाद मुगल शासक पश्मीना शॉल से सम्मोहित हुए। कहा जाता है कि अकबर ने 2 रुखा शॉल शुरू किया ताकि शॉल की निचली सतह कभी नहीं देखी जा सके।
अकबर के उत्तराधिकारियों ने वादी में शॉल उद्योग का संरक्षण किया, लेकिन कश्मीरी शॉल उद्योग को सबसे बड़ा बढ़ावा ब्रिटिश राज के दौरान प्राप्त हुआ। कश्मीरी शॉल से प्रभावित ब्रिटिश एक के बाद एक बुनी हुई शॉल अपने देश में ले गए, जहां उन्होंने एक तैयार बाजार पाया। कश्मीरी शॉल की प्रसिद्धि फ्रांस में भी फैली और इसी अवधि के चित्र अक्सर सुंदर रंगों के साथ रंगीन शॉल पहने महिलाओं को दर्शाते हैं। नेपोलियन की पत्नी महारानी जोसेफीन ने कश्मीरी पश्मीना शॉल को लोकप्रिय किया। पंद्रहवीं सदी से सूफी संतों, सुल्तानों, सम्राटों और ताजरों ने शॉल के विकास को जारी रखा। यूरोपियन लोगों ने भी इसे लोकप्रिय किया। फ्रांसीसियों ने अपने विचारों के आधार पर ओरिएंटल डिजाइनों को कश्मीर में बनवाने के लिए श्रीनगर में एजेंट्स के घरों पर पैटर्न भेजे। चल रहा है अच्छे से, बीच में बोर होते हैं उस वक्त तीलिया थोड़ा ज्यादा होती है। क्रिकेट भी खेलते हैं, संडे के दिन या फ्राइडे के दिन होती है हमारी छुट्टी यहाँ पे, तो हम जाते हैं क्रिकेट खेलने। बहुत अच्छा मज़ा आता है क्योंकि इससे एक किस्म की हमें बाहरी दुनिया से कट होते हैं, क्योंकि हमें यही सामने होता है, सुबह आने के बाद शाम तक यही काम करना है। तो हमें काफ़ी अच्छी खुशी भी होती है काम करने में, क्योंकि इस काम से सभी खुश हैं। कश्मीरी बुनकरों ने ऐसे ऐसे लतात्मक नक्श बनाए जो किसी कलाकार के बारीक से बारीक ब्रश से भी संभव न थे। पश्मीना शॉल जो अपने उत्कर्ष में इस विशेषज्ञता से विकसित हुई, किसी अन्य भारतीय कपड़े की तुलना में अधिक प्रसिद्ध थी, और आज इस वस्त्र के कई शौकीन हैं, जिनमें से कुछ के पास कई कई सौ कृतियाँ हैं जो कलाकृतियों या परिवार की विरासत की तरह नायाब हैं। हर रात कश्मीर को अपने ख्वाबों में ले आओ। कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है और वो स्थल था जिसके माध्यम से प्राचीन भारत की कला दुनिया तक पहुंची। स्थानीय विशेषज्ञता से विकसित कश्मीरी शॉल को किसी अन्य भारतीय कपड़े की तुलना में अधिक प्रसिद्धि मिली है। पश्मीना ऊन की कोमिंग की प्रक्रिया सख्त और नरम तंतुओं को अलग करती है और फिर चरखे पर इसे सावधानी से हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने बाने के रूप में उपयोग के लिए यान को अलग करता है। लगभग 10 ग्राम ऊन की कटाई की प्रक्रिया में एक हफ्ते का समय लग जाता है। पश्मीना ऊन को धोने के लिए पानी में भिगोए रीठे का उपयोग करते हैं। पश्मीना ऊन की लच्छियों को चावल पाउडर की कोटिंग के बाद एक बर्तन में रखा जाता है। ये पश्मीना ऊन से अशुद्धियों को हटाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। शॉल रंगने के लिए रंगरेज अपने दरवाजे पर ऊन को पाता है।
की लच्छियाँ बॉबिन्स के रूप में वॉपिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। एक समय में प्रत्येक शॉल के लिए एक वॉर्प सामान्य तरीका है। वॉर्प को सीधे एक बॉबिन से घुमाया जाता है जो एक वॉपिंग स्टिक की सहायता से ज़मीन पर खड़ा होता है, जो एक हुक के माध्यम से सीलिंग पर लगा होता है। इस प्रक्रिया से प्रवाह निर्विघ्न रहता है। वॉर्प वाइंडर चारों ओर घूम के ज़मीन से गड़े चार खूंटों पर धागों को लपेटता जाता है। पूरा किया गया वॉर्प सीधे करघे पर चढ़ा कर तान दिया जाता है। पट्टे में एक बांस की छड़ी डाली जाती है और फिर वॉर्प को आकार क्रम में रखा जाता है। इसके बाद डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। और एक लेखक चित्रों की एक श्रृंखला पर स्क्रिप्ट के रूप में तालीम पर डिज़ाइन को परिवर्तित कर देता है। और पश्मीना लूम के लिए हम ये शटल यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम ये इस टाइप का इसमें जो पर्न होता है ये यूज़ होता है, क्योंकि इसमें ये पर्न नहीं आएगा, ये बड़ी होती है और इसमें पश्मीना इतना ज़्यादा नहीं होता। और ये देखिए, ये हम इसमें पश्मीना के लिए ये वाला पर्न और ये वाला शटल यूज़ करते हैं। ये पश्मीना स्टूल हम बना रहे हैं, जिसका हमने डिज़ाइन जो लिया है रेगुलर ट्विल है, जिसका हम सेटिंग जो करते हैं, यहाँ से हमारा ये ट्रेडल है 1, 2, 3, 4 करके सेटअप होता है, जिसका हमारा टाइप हील्ड के साथ होता है। हील्ड हमारे चार हील्ड लगे हुए हैं, चार ट्रेडल लगे हुए हैं, इनके साथ हम सेटअप करते हैं ट्रेडल के साथ। जैसे हम पहले हम इसमें 1 और 2 दबाएंगे, फिर 2 और 3 दबाएंगे, 3 और 4 दबाएंगे, 1 और 4 दबाएंगे, जो ये डिज़ाइन है वो क्रिएट होता है। शिल्प विकास संस्थान श्रीनगर में पश्मीना ऊन के लिए भौगोलिक सूचक प्रमाण। पश्मीना शॉल के 20-25 बेतरतीब धागे ताने और बाने से निकाले जाते हैं। धागों को एक स्लाइड पर रखकर प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जब धागे परीक्षण में पास हो जाते हैं तो GI सर्टिफिकेशन शॉल पर अंकित कर दिया जाता है। पश्मीना का शाब्दिक अर्थ है ऊन, जिसमें कई दिलकश राज और खूबसूरत रहस्य छिपे हैं। पश्मीना शब्द को मंत्र की तरह दोहरा कर मधोशी के आलम को महसूस किया जा सकता है। पश्मीना